अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट के दो रुकनी बेंच ने हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। अहम खबर है, आपको बताएं लाहौर हाईकोर्ट में यह दरख्वास्त जेरे समाअत थी। दो रुकनी बेंच ने समाअत की और दो रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। हनीफ अब्बासी जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, इनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई। को कितने अरसे के लिए जमानत मिली है अदालत की जानिब से? आज मिस्टर अब्बासी वो पिंडी बेंच ने जो है उनको जो सजा दी थी और उनका जो केस था वो रावलपिंडी से लाहौर हाईकोर्ट में मुंतकिल कर दिया गया था। तम जो आज जो तमाम दलाइल और फाइनल बेंच पनों फ्री कैंग के वकला की तमाम बहस के बाद जो दो रुकनी बेंच लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आलिया नीलम की सरब्राहि में दो रुकनी बेंच था जिसने आज जो हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त जमानत जो वो मंजूर कर ली, जिससे पिछली समाअत पर जो वो अदालत ने हनीफ अब्बासी को जो शेरजाद अस्पताल में मुंतकिल करने के काम जो वो जारी किए थे, क्योंकि उनके वकील की जानब से मौके तैयार किया गया था कि उनकी जो तबीयत जो वो नासाज है, लेकिन फिर भी सियासी बुनियादों पर जिन पर मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि सियासी दिन केस में जो दीगर मुलजमान थे उनकी जमानतें मंजूर हो चुकी है और रिहा भी हो चुका है। तो हम आज अदालत में जो है वो तमाम शवाहिद देखने के बाद जो है वो हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जी